क्या आपका होम लोन इसीलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपकी इनकम कम है? क्या आपका होम लोन इसीलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपका सिबिल स्कोर भी कम है? तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आपको 100% होम लोन मिलेगा ही, और वो भी ट्रिपल ई टैक्स बेनिफिट्स के साथ। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे मेजर बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं व्हेन यू आर अवेलिंग जॉइंट होम लोन, और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कौन से ऐसे ट्रिपल टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। तो हाल ही में मेरी बहन ने और मेरे जीजू ने एक होम लोन लिया, एक जॉइंट होम लोन, और मैं सरप्राइज हो गई कि वाह यार, कितने सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसमें, और इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आपको भी ये जानकारी दें कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप किसी और के साथ एक जॉइंट होम लोन लेते हैं। तो जॉइंट होम लेने के टाइम पे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलता है, साथ ही आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। वो डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे सिनेरियोज में जॉइंट होम लोन मिलता है। वेल, केस नंबर 1, ऐसा केस यानी कि आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर अपने एक अक्वेंटेंस के साथ मिलकर एक घर लेते हैं, तो ये केस नंबर 1 है। पर इस केस में आपको बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा, आपको एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए जिस पे आप पूरा पूरा भरोसा दिखा सको। इसके साथ आपको एग्रीमेंट बनाना होगा, ये डिसाइड करना होगा कि फ्यूचर में आप दोनों कैसे इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे एक्सेट्रा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। पर ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये खास करके सेकेंड केस के लिए है, यानी कि केस नंबर 2 ये है कि आप अपने रिलेटिव के साथ मिलकर एक जॉइंट होम लोन ले ले। ये रिलेटिव हो सकते हैं आपके ब्लड ग्रुप वाले, यानी कि आपके माता पिता, भाई बहन, कोई भी, या फिर इसके अलावा आप अपने स्पाउस के साथ यानी कि अपने बीवी के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये जॉइंट होम लोन ले सकते हैं। तो अब हमने जाना कि कौन से सिनेरियो में आप ये जॉइंट होम लोन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन्हीं 5 मेजर बेनिफिट्स के बारे में जो आपको मिलती है जब आप एक जॉइंट होम लोन लेते हैं। तो सबसे पहला ये कि आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, अब आपको ज़्यादा होम लोन मिलता है। वो ऐसे कि मान लीजिए अगर आप अपने स्पाउस के साथ यानी कि अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलकर ये लोन लेते हैं और आप दोनों ही कपल अर्निंग कपल हैं, आप दोनों ही कमा रहे हैं, तो ऐसे में बैंक्स जो हैं जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वो आप दोनों के इनकम को क्लब कर देगा और आप दोनों के इनकम को शो करेगा एज वन इनकम, और तब आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं अगर आपकी सैलरी 50,000 है, मान लेते हैं आपके हस्बैंड की या वाइफ की भी सैलरी 50,000 है, यानी कि यहाँ पर आपका दोनों का एक सैलरी जो है वो हो गया 1,00,000 तक का, तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। और इसी के साथ जब आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है तब आप ज़्यादा लोन ले सकते हैं, और जाहिर सी बात है, नेचुरल सी बात है, जब आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है ज़्यादा लोन लेने के लिए तब आप आराम से एक बड़ा घर लेने का सोच सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर आपकी सिबिल स्कोर भी कम है तब भी ये लोन आपको मिल सकता है। आप सोच रहे होंगे भैया ये कैसे, मैं आपको बता दूं, अब जब आप कोई भी लोन लेते हैं, नेचुरल सी बात है, कोई भी लोन फॉर दैट मैटर, आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। अब सिबिल स्कोर ये तय करता है कि क्या आपको वो लोन मिलेगा या नहीं, और सिबिल स्कोर इसके अलावा बहुत कुछ तय करता है, डिटरमाइन करता है, जैसे कि कितना इंटरेस्टेड आपको पे करना पड़ सकता है। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है तो यहाँ पर आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं अपने बैंकर के साथ ताकि वो आपका जो इंटरेस्टेड है कम कर दे, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो। अगर यहाँ पे सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है तो खास करके जॉइंट होम लोन में ये आपको बेनिफिट मिलता है, और वो ऐसे कि मान लेते हैं आपने अपने स्पाउस के साथ ये लोन लिया है, पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका सिबिल स्कोर है, पकड़ लेते हैं 400 है, और साथ ही आपके हस्बैंड या आपके वाइफ का सिबिल स्कोर है 800 का, आउट ऑफ 900 जो 900 होना चाहिए, आउट ऑफ दैट आपका 400 है और उनका 800। तो ऐसे में जब भी बैंक सिबिल स्कोर देखता है तो ये आप दोनों के ही सिबिल स्कोर को क्लब करता है और दोनों के ही सिबिल स्कोर को देखता है। तो आप दोनों में से ही जिसका भी सिबिल स्कोर अच्छा हो, अगर एक का भी सिबिल स्कोर अच्छा होता है तब भी बैंक आपको ये लोन दे देता है बिना किसी दिक्कत के। पर यहाँ पे एक छोटा सा डिसएडवांटेज है,
और वो ये है कि अगर बाय चांस आप दोनों में से ही किसी एक ने भी ईएमआई डिफॉल्ट कर देते हैं, ईएमआई पेमेंट रीपेमेंट डिफॉल्ट कर देते हैं, ऐसे में आप दोनों के ही सिबिल स्कोर पर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, आप दोनों का ही सिबिल स्कोर नीचे चला जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज हो सकता है। तो जब भी आप जॉइंट होम लोन ले रहे हैं और अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो इसे कभी भी गिराइएगा मत और कभी भी डिफॉल्ट मत कीजिएगा, ये इंश्योर कीजिए आप। अब आते हैं तीसरे बेनिफिट्स पे, और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि यहाँ पर आपको ढेर सारे टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। वो ऐसे कि अब इसमें आपको तीन तरीके के होते हैं, ये तीन तरह के टैक्स बेनिफिट्स, जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तीन तरह के ऐसे टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। सबसे पहला टैक्स बेनिफिट्स है एज प्रिंसिपल रीपेमेंट में, सो अंडर सेक्शन 80C। तो जब भी हम अंडर सेक्शन 80C की बात करें, कोई भी प्रोडक्ट जो अंडर सेक्शन 80C के अंदर आता है, तो यहाँ पर आपको 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है। और ये जॉइंट होम लोन भी इसका ही एक प्रोडक्ट है जहाँ पर आपको अंडर सेक्शन 80C ये बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है। और यहाँ पे साथ ही मैं आपको ये बता दूँ, दुगना बेनिफिट है। दुगना ऐसे कि आप एज एन इंडिविजुअल अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और साथ ही आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड भी 1.5 लाख अलग से क्लेम कर सकते हैं, यानी कि आपका 1.5 उनका 1.5 मिलाकर 3 लाख आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एज अंडर सेक्शन 80C। तो मान लेते हैं कि आपका ईयरली जो रीपेमेंट है आप कर रहे हैं 3 लाख का अभी फिलहाल के लिए, तो ऐसे में आपका भला ही होगा क्योंकि 1.5 3 लाख आप इसमें टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट अंडर टैक्स ये है कि अंडर सेक्शन 24 आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, टैक्स डिडक्शन मिलता है, और वो ये कि जब भी आप अपने प्रॉपर्टी को एज लॉस इन प्रॉपर्टी दिखाते हैं, तब यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग आप 2 लाख 2 लाख क्लेम दिखा सकते हैं, यानी कि 2-2 लाख आपको ये दिखाना है कि आपने एज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी 2-2 लाख भरे हैं, और यहाँ पर भी आप टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं। तो यहाँ पर भी एज इंडिविजुअल्स दोनों आप 2-2 लाख कर क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा टैक्स बेनिफिट्स मिलता है आपको अंडर सेक्शन 80EEE, और यहाँ पर खास आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो टैक्स बेनिफिट्स है वो थोड़ा लिमिटेड है, यानी कि ये सब सारे ही फर्स्ट टाइम बोरोवर्स लोगों के लिए है। तो अगर आज आप एक फर्स्ट टाइम, मतलब आज आप पहली बार ले रहे हैं होम लोन, तब ये टैक्स बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको और आपके हस्बैंड या वाइफ को 50,000 टैक्स डिडक्शन मिलता है। पर यहाँ पर थोड़े कंडीशंस हैं, जैसा कि मैंने कहा यहाँ पर थोड़े लिमिटेशंस भी हैं, और वो ये हैं, फर्स्ट अगर आप एक फर्स्ट टाइम बोरोवर हैं, तो अगर आप पहली बार कोई ये होम लोन ले रहे हैं, तो दूसरा ये लिमिटेशन ये है कि आपका जो अमाउंट है यानी कि लोन अमाउंट है वो 35 लाख तक का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और साथ ही जो वैल्यू है आपकी प्रॉपर्टी की जिसके लिए आप ये लोन ले रहे हैं उसकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़े लिमिटेशंस हैं जो आपको मिलते हैं अगर ये वाला टैक्स आप डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो ये थे तीन टैक्स बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं। और अगला टैक्स बचाने का तरीका ये भी है कि अगर आप प्रॉपर्टी आज खरीदते हैं, अगर आज आप होम लोन लेते हैं, तो अगर वो उसे रेंट पे डाल देते हैं, तो आप रेंटल प्रॉपर्टी के नाम से भी एक टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर आप ये लोन लेते हैं और उस प्रॉपर्टी को आगे चलकर रेंट पर दे देते हैं, और मान लेते हैं सालाना आपको 2 लाख का रेंटल इनकम आता है, ऐसे में ये जो 2 लाख है, अगर आप एक इंडिविजुअल होम लोन लेते हैं, तो ये 2 लाख आपके इनकम में ऐड हो जाएगा, यानी कि टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा जिस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और मान लेते हैं अगर आपकी इनकम जो है 9 लाख है, आज करेंटली 9 लाख है आपका पैकेज, और प्लस ये 2 लाख यानी कि 11 लाख हो जाएगा आपका टोटल इनकम, और तब आप हायर टैक्स ब्रैकेट में चले जाएंगे, इसका मतलब आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं ऑन दी अदर हैंड आप अगर जॉइंट होम लोन लेते हैं, तो ये जो 2 लाख आपके पास आ रहे हैं ये डिवाइड हो जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा, और आपके इनकम में 1 लाख उनके इनकम में 1 लाख। तो ऐसे में अगर आपका 9 लाख का पैकेज है तो टोटल आपका जो इनकम है वो दिखाएगा एज 10 लाख। तो अगर 10 लाख से कम है आपका इनकम, तो आपको
थोड़ा ही टैक्स भरना पड़ेगा, आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं। तो चौथा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आप अपने टैक्स ब्रैकेट को बचा सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं व्हेन यू आर टेकिंग और व्हेन यू आर अवेलिंग जॉइंट होम लोन। आखिरी आपको बेनिफिट ये मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और वो ऐसे कि आज अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको पता होगा कि आपको यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी भी भरना है और साथ ही रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपको पे करना होगा। पर अगर आप एक जॉइंट होम लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, वो ऐसे कि अगर एक महिला जुड़ी हुई है, यानी कि अगर आप अपने वाइफ के साथ ये लेते हैं लोन, या फिर अगर आप एक वाइफ है और अपने हस्बैंड के साथ ये लोन लेती हैं, तो एज अ वुमन आपको कम इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा, यानी कि कम स्टैम्प चार्जेस स्टैम्प ड्यूटीज भरने पड़ेंगे। तो अगर हम दिल्ली का एग्जांपल लें, आज दिल्ली में अगर आप रहते हैं और आज अगर आप एक जॉइंट होम लोन लेते हैं या फिर इंडिविजुअल लेते हैं होम लोन, तो यहाँ पे एज अ वुमन आपको 4% का स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, तो वुमेन लोगों के लिए थोड़ा कम होता है। वहीं अगर एक मेल इंसान यानी कि एक पुरुष ये होम लोन लेता है एज इंडिविजुअल, तो उसे 6% का स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अंतर देख सकते हैं, 2% एक्स्ट्रा भरना पड़ सकता है। वहीं अगर हम जॉइंट होम लोन की बात करें तो ये आपको पड़ सकता है 5% का। तो इन अ नेचुरल आप 1-2% का टैक्स बचा ही रहे, यानी कि स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर बचा ही रहे हैं, और स्टैम्प ड्यूटी आपको पता ही है कितना ज़्यादा लगता है। तो ये थे कुछ 5 मेजर बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं जब भी आप जॉइंट होम लोन लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और साथ ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ये एक ऐसा इन्फॉर्मेशन था जो मैं चाहती थी कि आप लोग से भी शेयर करूँ। साथ ही आपको ये बता दूँ कि अगर आपको आज होम लोन लेना है पर आपको पूरी डिटेल्स नहीं पता है, पूरी जानकारी नहीं है आपके पास, तो ऐसे में ये लोन आप मत लीजिए। तो अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए, आपको पूरा नॉलेज गेन करना है, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। वहाँ पर एक एक्सपर्ट मेंटर आपको सिखाएगा कि क्या होता है होम लोन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने होंगे एक्सेट्रा, जो प्रोज हैं कौन से हैं, सब कुछ आपको एक ऐप में मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको बहुत से क्रूशियल फाइनेंशियल डिटेल्स भी मिलते हैं फ्रीडम ऐप पर। तो जल्द ही फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री। Oh, oh, oh.